हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम वर्गमूल से रिलेटेड आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमारा वर्गमूल से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 की घात 24 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या अगर कर्णीगत के अंदर लिखी गई है, यानी कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर लिखी गई है, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, तो इसको हम आसानी रूप से, यानी कि आसान करने के लिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 की घात इस वर्गमूल चिन्ह का जो पावर बनती है वो 1/2 बन जाती है। यानी कि जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो 1 की घात 1/2 बन जाता है। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की घात 4, और कर्णी घात को जैसे हम खोलेंगे तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी। और इस प्रकार से जब हम इसको हल कर रहे होंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर हो जाएगी 5 की घात 2 × 2, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की घात 2। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखिए, 5 की घात 24 का वर्गमूल ज्ञात करो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है वर्गमूल, तो 5 की घात 24 पर हम वर्गमूल चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, और फिर ये सेम इस टाइप की कंडीशन तैयार हो गई। अब हम इसको हल करेंगे, 5 की घात 24, और वर्गमूल चिन्ह को हम घात रूप में लिखेंगे, इसको 1/2, तो 5 की घात 24 का 1/2 इसको हल करेंगे, 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12 बार, और हम लिखेंगे 5 की घात 12। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 5 की घात 12। तो 5 की घात 12 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इस प्रकार के सभी क्वेश्चन सेम इसी कंडीशन से करने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि रूट में, यानी कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर 1 − x/529, यानी कि वर्गमूल में 1 − x/529 = 16/23, इस प्रकार यदि हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको हल करना सिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी बाहर की कंडीशन दी गई है 16/23, तो हम यहाँ पर इसको 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग होता है 529, और जैसे ही क्वेश्चन में लिखा गया है माइनस घटाने का अंतर, यानी कि अंतर, यानी कि माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम इसमें से घटा देंगे, 16 का वर्ग होता है 256, तो इस प्रकार हमें x का मान ज्ञात हो जाता है। अब 529 में से हम 256 घटाएंगे तो 273 बचेगा। जैसे कि 9 में से 6 घटाएंगे 3, और 12 में से 5 घटाएंगे 7, और 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 273। तो यानी कि x का मान हो गया 273, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।